वाली हूँ ऑन द वीडियो अप्रैल 2022 सम्राट की पाठशाला। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल अखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो क्या हाल है, स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में जो कि हर महीने के एंड में आती है। इस सीरीज में हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जिसने पूरे महीने आतंक मचा रखा था। तो भाइयों और उनकी मोहल्ले की भाभियों, शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। हाँ तो भाई साहब, पहले कौन आ रहा है? बोलो जुबान केसरी। अच्छा अच्छा, आप हो, आ जाओ। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। तो भाई साहब, ये बात एकदम सत्य है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया इसका लाइव एग्जांपल दिया है हमारे अक्षय कुमार भाई साहब ने। क्यों अक्षय भाई? बोलो जुबान केसरी। तो रिसेंटली हमारे अक्षय कुमार ने गुटखा गैंग ज्वाइन कर ली। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने गुटखे का ऐड किया है, वो तो हमारे शाहरुख खान और अजय देवगन भी कर रहे हैं। असली प्रॉब्लम की जड़ थी ये वीडियो जिसमें हमारे अक्षय सर गुटखा पे ज्ञान पेलते हुए दिखाई गए थे। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो। उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानो। अब देखो यार, तुमने ये क्लिप कई जगह देख रखी होगी, अब तुम देख चुके हो तो उसमें मैं क्या करूँ? नहीं मतलब, अक्षय कुमार मेरे घर पे इंटरव्यू देने थोड़ी आया था। क्यों अक्षय भाई? जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। पैसा तो जनता ने इस क्लिप को देखा और भाई साहब अक्षय कुमार को सोशल मीडिया पे पेल दिया। फिर कहीं जाके उनको अकल आए कि भाई साहब मेरी पिछली मूवी तो फ्लॉप हो चुकी है और जनता का मिजाज इस एड को देखकर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या बक रहा है? तो कहीं मेरी अगली मूवी कैसे हो जाए। उन्होंने एक मस्त सा भाई साहब माफीनामा लिखा और ट्विटर पे पोस्ट कर दिया और फिर से वो वापस से शरीफ बन गए। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। मतलब जिस हिसाब से इस देश के बड़े बड़े सम्मानित एक्टर जिनको पद्मश्री मिल चुका है, जैसे शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, वो गुटके का प्रचार कर रहे हैं, मैं तो भाई साहब सरकार को अर्जी लिखने जा रहा हूँ कि बिमल को राष्ट्रीय गुटका घोषित कर दो। मतलब यही क्यों, हम सब मिलके बोलते हैं जुबा केसरी। अरे ए मारो इसको, क्या हो रहा है? अब कुछ लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई साहब वो गुटका नहीं, इलायची को प्रमोट कर रहे हैं। अरे मेरे नादान भोले पंछी, तुम कतई भोले हो। मतलब इंडिया की है ना एक पॉलिसी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप इंडिया में ऐसे नशीले पदार्थों को डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए जो ब्रांड होते हैं वो अपना एक सब प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो इनडायरेक्ट रूप में उसी का प्रमोशन होता है। जो समझदार है वो समझ जाते हैं। मतलब ऐसा नादान परिंदा मैं भी पहले था, इसीलिए कोई इलायची बेच रहा है। ये तो अपनी सुबह है, कोई म्यूजिक सीडी बेच रहा है। प्यार की राह में चलना, मेन विल बी मेन, ये वाला गाना तो सुना ही होगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। अबे तुम्हारी क्या, मैं खुद इसको म्यूजिक सीडी समझता था बे। और पता है ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार का ये फर्स्ट टाइम है, ना 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 ना, अक्षय कुमार का याराना ऐसे प्रोडक्ट से पहले का है। भाई पहले सिगरेट भी बेचा करते थे। हम पीने वालों की बात ही कुछ और है। और मैं तो बिमल बालों से ये बात बोलता हूँ कि अगर एक्टर पैसा लेने के बाद भी तुम्हारा ऐड करने से मना कर रहे हैं तो हमें दो, हम बोलेंगे पूरे दिल के साथ जुबा केसरी। अरे ये मारो इसको। ना ना सही बोल रहा हूँ मैं। अबे तुम आओ तो सही एक बार, मैं थूक थूक के पूरा मोहल्ला लाल कर दूंगा भाई साहब। अब आप चाहे मानो चाहे मत। हाँ तो भैया, इस महीने अगला तहलका मचाया हमारी साउथ की मूवीज ने। अबे बवाल मचा रखा है यार, पहले वो पुष्पा का बुखार नहीं उतर रहा लोगों के मन से। मतलब इस ताऊ को देखना, उसका राय मैं झुकेगा नहीं साला। मतलब पुष्पा बनेंगे? अरे चचा तुम्हारे हाथ पांव कीर्तन कर रहे हैं, मोहड़ो पंजीरी मांग रहे हो, ये उम्र तुम्हारी झुकने की नहीं लेटने की है चचा। मैं बता रहा हूँ, ताऊ ने जवानी में घने चवन प्रास खा ली, यहाँ हमारे यहाँ के भीतर गर्मी शांत ना हो रही है। क्या हो रहा है? इधर पुष्पा गई और उधर आर 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 आ गई, और आते ही अलग ही भोकाल काट दिया। आर 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 इधर चल ही रही थी, इतने में हमारे रॉकी भाई साहब अपनी KGF 2 लेकर आए। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट। भाई साहब ये हो क्या रहा है? मैं बता रहा हूँ, साउथ इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही है ना, बॉलीवुड को खा जाएगी वो। पर खा जाए भैया ये, मतलब मूवी देखने के बाद लोगों के मन में इतना क्रेज। नन्नारी नारे, नानी नन्नारो, ताने नारे, इसी का टाइटल
क्या हो गया? कौन से छेद में खीरा डाल दिया तूने? जितना बुरा मुंह बना रहा है भाई साहब, गलत जगह डल गया खीरा। और ये दुख सिर्फ इसी को ही नहीं है, यहाँ भी कतार थोड़ी लंबी है। अरे ए मारो इसको, ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? तुम्हें क्या लग रहा है हम नहीं कर सकते इस चीज को? तन्नारी नारे 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 ना, हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। क्या हो रहा है भाई साहब? जिस हिसाब से साउथ इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इन टर्म ऑफ कंटेंट, इन टर्म ऑफ फैन फॉलोइंग, बॉलीवुड का विनाश निश्चित है भाई साहब। अब सच बताऊं ना, बॉलीवुड को अब सिर्फ एक ही मूवी बचा सकती है। उसकी अभी अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी थी एक एक्टर ने, उस मूवी का नाम है देशद्रोही 2। अरे भाई खुद बताया भाई अपने ट्विटर हैंडल से, और साथ ही साथ में ये भी घोषणा कर दी कि ये मूवी बाहुबली से भी बड़ी होने वाली है। अरे भाई ये बाहुबली से बड़ी क्यों नहीं होगी? केआरके इसमें एक्टिंग कर रहा है, केआरके ही प्रोड्यूसर है, केआरके ही डायरेक्टर है, केआरके ही ऑडियंस है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता का ऐसा मानना है भाई। भाई साहब ये बंदा इतना मल्टी टैलेंटेड है कि इसको देखने के बाद ना मुझे इस महापुरुष की याद आ जाती है। हम जब खेलते थे हम ओपनर थे, रणजी प्लेयरों के साथ खेलते थे, बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे, हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर गेम ही हमें पसंद आते हैं। वही कमेंट पर नजर डाले तो एक भाई पूछ रहे हैं एडिटिंग मैं कर दूं भाई। अरे भैया तुम क्यों करोगे एडिटिंग? एडिटिंग भी हमारा केआरके भाई करेगा, हल्के में ले रहे हो उसको तुम बे साले। वही एक भाई बोलते हैं बिटकॉइन खरीद ले उस पैसे से, सलाह दी जा रही है। सही बात है कुछ तो बढ़ेगा, पर इस बंदे की भी फैन फॉलोइंग अलग चल रही है। सही बता रहा हूँ मैं, जरा इस ट्वीट को देख रहा हूँ। फर्स्ट डे कलेक्शन विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड नॉट ओनली इन बॉलीवुड बट इन हॉलीवुड टू, इट विल बी द फर्स्ट इंडियन मूवी टू विन ऑस्कर। अरे ए मारो इसको, जबरा फैन आ गया भाई। अब आप भी सोचो केआरके अपनी मूवी का कैसे प्रमोशन करेगा? अपना टाइम बचाइए, अपने पैसे बचाइए, टॉर्चर होने से बच जाइए और इस फिल्म को अवॉइड कीजिए। मैं इस फिल्म को देता हूँ 0 स्टार और साथ ही खैर जब बात ट्विटर की हो ही रही है तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे इलोन मस्क भैया ने ट्विटर को खरीद लिया है 44 मिलियन डॉलर्स में। अभी कितने जीरो होते होंगे यार इतने रुपए में? अरे इलोन मस्क भैया क्या चाह रहे हो, ज्यादा पैसा आ रहे हैं हमें ही दे दो, घर बनवा लेंगे यार। बहुत कड़की चल रही है अभी इस वक्त ना। इलोन मस्क का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इसको खरीदने की बात करी थी, आई लव ट्विटर। तो एक भाई इसको खरीदने की बोल देता है, तो भाई हमारे इलोन भैया पूछते हैं कितने का है? बड़े आदमी तो साला मजाक भी करे वो भी सच हो जाता भाई साहब। मतलब भाई साहब पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि साला जब कोई चीज तुम खरीदने जाओ ना तो साला बैंक में बैलेंस ना देखना पड़े। वैसे तुम लोग ट्विटर चलाते हो क्या? फॉलो नहीं कर रखा है सालो तुमने मुझको, है यही प्यार है तुम्हारा? अबे तुम जाओ पहले फॉलो करके आओ, अब तो इलोन मस्क की सरकार आ गई है वहाँ पे। आज तुम्हारे भाई का हैप्पी बर्थडे, सालो मिस भी नहीं कर रहे हो तुम, यही प्यार था तुम्हारा देख लिया मैंने। जाओ भाई फॉलो करना और भाई हैप्पी बर्थडे बोलना। बाकी जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जॉब सर्च कर रहे हो तो रीलेवल को आप एक बार जरूर ट्राई करो, क्योंकि इन्होंने अभी अपने प्लेटफॉर्म पर 3 टेस्ट लॉन्च करे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि ये अपने टॉप 3 कैंडिडेट को हर मंथ एप्पल के प्रोडक्ट्स भेजते हैं, लाइक मैकबुक, आईफोन एंड आईवॉच। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप साइन अप करो और इस अवसर का आप भी लाभ उठाओ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, इसके बगल में जो घंटे का निशान है उसे दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना। बाकी आपको और बकचोदी देखनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार, वहाँ पे भी अपने आप को बड़ा क्रिएटर बनना है। और अब तो आप ट्विटर पे भी फॉलो करो, हैप्पी बर्थडे है मेरा, फॉलो करवा के रहूंगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला। Over and out. लोग इतने excited नहीं होते ना बर्थडे को, लड़कियों का क्या पता क्यों excited, excitement होता है। Like मेरा बर्थडे 9th मई को, याद रखना, सब लोग विश करना याद से। तो मैं पहले से excited हूँ, पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, मतलब मेरे को ये करना है वो करना है सब कुछ दिमाग में आया नहीं, बस ऐसे ही कि मेरा बर्थडे आ रहा है। गॉड सीरियसली ओके, तो अप्रैल 2020 कितनी सारी चीजें हो जाती है ना एक एक महीने में अगर हम नोटिस करें तो। ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसा हाँ ये भी हुआ ये भी हुआ ये भी हुआ, बट अगर हम पीछे 2 साल पीछे भी चले जाते याद है, अरे 2 साल पहले ये तब मैं ये सोचता था कि मुझे ये करना है ना, अब देखो ये है या जो कुछ, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं इंसान में। तो अप्रैल 2022 में भी बहुत सारी चीजें हुई। साउथ मूवीज का बात करें तो बहुत क्रेज यार, मतलब है भी उस लेवल के मूवीज की क्रेज क्यों ना हो, मूवीज अगर उतने अच्छे होंगे तो तन्ना हनी नाने वो बस सुनने को नेक मन कर रहा है, बिकॉज वो जिस तरीके से चीख रहा है ना देवा बोलो जुबा केसरी, वो भी इतना ज्यादा कि हम लोगों ने ही विमल की इतनी एडवर्टाइज कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है जितना उन लोगों ने नहीं की होगी उतना हम लोगों ने ही कर दी, बोल बोल के रोस्ट कर करके जो कुछ भी है।
एंड नानी नाने नाने नानू ना जो है वो उधर अच्छा लग रहा है थिएटर में, ये लोग जो चीख रहे हैं है क्या बोलने का। तो ये था मेरा रिएक्शन वीडियो अप्रैल 2022 बाय सम्राट की पाठशाला। विशिंग यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी फर्क नहीं आ लेते।